देख रहे हैं रॉयल मॉर्निंग, और रॉयल मॉर्निंग में ब्रेक से पहले हमने कहा था कि गेस्ट तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक चेंज हुई है और बड़ी प्यारी लग रही है, स्माइल बड़ी प्यारी है। मुझे तो जो स्माइल जिनकी खूबसूरत है मेरी अपनी बड़ी अच्छी है, ऐसी मैं अपनी तारीफ खुद ही करती थी। हिना ने तो कभी की ही नहीं, लोग कह रहे होंगे मुझे लग रहा है रेडियो पे शो कर रही हूं। ये मुंह बोलती प्यारी है, पता चलता है बंदा प्यारा। आगे मैं क्या कहूंगी, कहा आज बहुत प्यारी लग रही है, आप रोज सुनना चाहती हैं। सो मच, मुझे अच्छी लगती है अपनी तारीफ सुनना, किसको बुरा लगता है, किसी को लगता है बुरा। इसके साथ ही हमारे साथ एक बहुत प्यारी सी मॉडल और एक्ट्रेस मौजूद है, जिनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है फातिमा वर्क। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं? वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। थैंक यू सो मच। फातिमा जितनी प्यारी है ना उतना प्यारा बोलती भी है। और फिर आप आ गई हैं चिंकी, आप फिर आ गई, अब छुट्टी हो गई है क्या स्कूल से? छुट्टी तो हो गई थी, इनके सवाल पूछ के मैं भाग गई। मुझे तो इतने ऐसे लगा कि मैं तो भाग जाऊंगी, क्योंकि आपका वो सवाल ही ऐसे, जवाब ही ऐसा था, मैं क्या करती। उन्होंने आपको थोड़ा सा एक्टिंग करने के लिए कहा था, ताकि पता चल सके आप बॉर्न एक्टर हो, क्योंकि एक्टर और जो म्यूजिक सारा वो बॉर्न एक्टर होता है, बॉर्न सिंगर होता है। अब आप क्या बनना चाह रही हैं? आप एक नई मॉडल आई हूं, उनके साथ हम रैंबो। अच्छा, अब आपने क्या करना, रैंप वॉक करना चाह रही हैं? रैंबो, ठीक है। मैं अपनी प्यारी सी मॉडल जो आई है आज नई गेस्ट दोबारा, उनसे बात करना जी। आपसे सवाल पूछना है कि आप क्या कहते हैं ये रैंप वॉक पे इतनी लंबी हील पहन के कैसे वॉक कर लेती हैं? सारी बात है, हमारा काम है और हमें जब हम वॉक कर रहे थे तो हमें फुल कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, तो वॉक करते करते आपका वो जो उसका पाँव वो उसका वो जो होता है वो लकड़ी के अंदर नहीं आ जाता? नो नो, सही कह रहे हैं, कभी वैसे वो लकड़ी में नहीं आता, वो स्लिप हो जाते हैं बेटा। वो किसी लाहौर की सड़क पे वॉक नहीं करती, पैर मुड़ जाएगा, रेड कार्पेट होता है। हां, वो कार्पेट पे नहीं मुड़ता। वैसे आप कब छुट्टी कर रही हैं? क्यों, अब तुम्हें एंकर भी बनना है? ले जी, ये भी बना हिना, आपने वो बात की थी ना कि इस चेयर की वजह बहुत पड़े और एक और आ गई। अच्छा, आप क्यों पूछ रही? क्योंकि मैंने आपकी सीट पे बैठना, आपकी सीट लेनी है। ये सीट नहीं मिलती इतनी जल्दी बेटा, इसके लिए आपको 10-12 साल लगते हैं। ये बच्ची साढ़े रोजी रोटी पीछे सबकी रोटी रोजी का जो है ना। बताए ना बताए, मुझे नहीं पता आप कब छुट्टी कर रही हैं, मुझे ये बताएं। मैं बस 2-3 दिन हूँ यहाँ पे, फिर मैं जा रही हूँ, मैं बैठूंगी आपकी सीट पे, आप देखना क्या करती हैं। ठीक है, लेकिन उस वक्त कैमरे ऑन नहीं होंगे। कोई बात नहीं, आप सेल्फी बना लेना, सेल्फी में बना लेना। चले फिर, मुझे आप बाय बाय करें, टाइट आट बाय बाय करें। नहीं जा रही हैं आप? अब मैंने अब एकेडमी पढ़नी है, क्या करूं मैं? एकेडमी आपने पढ़नी है? इतना ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्या खाना है? पढ़ा बेटा, जरूर पढ़ो, पढ़ना चाहिए। यस, पढ़ूंगी तो आपकी जैसा बनूंगी ना। जी इंशाल्लाह, यस, ये बात जरूर पढ़ो, बड़ी अच्छी। आप सब टाटा बाय बाय कर, बाय बाय बाय, खुदा हाफिज। तो ये चिंकी बार बार आ जाती है और इसको बहुत शौक है एक्टिंग करने का, और सारा सारा दिन जो है ना ये कहती है, फोन करती रहती है, कभी मुझे होस्ट बनने में क्या बन सकती हूँ, क्या करती है। अच्छा, ये बात तो फैक्ट है कि डेस्परेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब आप पेशेंस रखते हैं ना तो काम भी आपका अच्छा निकलता है। आप आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये जो मरहला है ना, अगर आपकी गोल्स वहाँ पे सेट है तो आई थिंक कि जितना आहिस्ता चलेंगे, जैसे सर ने कहा कि जो जल्दी शोहरत मिल जाती है तो जल्दी आपका फॉल भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक बात है, मैं आपको बताऊं कि जरूर आगे आए, जरूर मतलब जो टैलेंट, जो लोग समझते हैं हम में टैलेंट है, मगर वो घर से ये सोच के निकले कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। सिर्फ देख के, चार फिल्में देख के या गाना आप अच्छा गा रहे हो, अगर आपको सुन के वो समझता है मैं भी अच्छा गा लेता हूँ या सारे को, और वहाँ वो उस मैार पे ना उतरे जी, तो पहले वो अपना जो एहतसाब अंदर होता है ना उसको करके निकले, मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वरना तो मतलब हजारों लोग निकलते हैं। बिल्कुल सही, जैसे ये बात करनी थी अभी, अगर हम बात करें स्टेज की जी, आप थिएटर को आप कहाँ देखते हैं? पहले वहाँ पे स्क्रिप्ट पे काम होता, स्क्रिप्टेड होता था, लोग रिहर्सल्स करते थे, आते थे, डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर सेट पे नहीं होता था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहीं गलत हुई तो बताइएगा, प्रोड्यूसर सेट पे, प्रोड्यूसर की सुनी नहीं जाती थी, सिर्फ डायरेक्टर की सुनी जाती थी और एक्टर होते थे, और ठीक है बीच में एक दो जो है वो परफॉर्मेंसेस भी होती थी, वो भी बहुत अच्छी जो परफॉर्मर है जी। आजकल ड्रामा नजर नहीं आता, सिर्फ गाने नजर आते हैं, क्या आप कहेंगे? और वो लोग है ही नहीं, वो काम कर ही नहीं रहे। देखें, मैं इसमें ना मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोगों के मुंह को हमने खुद खून लगा दिया जी। अच्छा, ठीक है, पहले जब ड्रामे होते थे, अच्छे ड्रामे होते थे, फैमिलीज जाती थी, लोग देखते थे, मतलब इसी थिएटर पे कवि साहब, ख़याम सरदी साहब,
अपना जमील फखरी साहब, फिर बड़े कमाल अहमद रिजवी साहब, ये बड़े बड़े नाम, फिरदौस जमाल साहब, आबिद अली साहब, सुहेल अहमद साहब, ये सब लोगों ने किया थिएटर उस वक्त भी। मतलब रश का यही आलम होता था, लोग ड्रामा देखने आते थे, सारा कुछ होता था। मगर आहिस्ता आहिस्ता हुआ, जब स्टार्स यहाँ आ गए ना, तो कुछ ऐसे लोग जो स्टार्स नहीं थे, जो बिल्कुल छोटे इलाकों से थे, उन्होंने कहा कि इन स्टार्स को कैसे गिराना है जी। उसको गिराने के लिए वो वल्गर हो गए। अच्छा, उन सीनियर्स ने कुछ थोड़ा सा, उनका मैं ये कहूँगा, मैं उन पर ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने उनको रोकने के बजाय वो साइड पे होते चले गए। जब वो साइड पे होते चले गए तो सिर्फ वो ही रह गए जो वल्गर थे। तो वो जाहिर है वो ड्रामा अब हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, लेकिन इसमें हम सब ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा डाला है। किसी ने रोका नहीं, किसी ने मना नहीं किया, जो जिसका दिल किया। फिर स्क्रिप्ट तो दूर चला गया ना, मतलब स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी फलां एक्टर आएगा यहाँ पे, वो आधा घंटा बोलेगा, क्या बोलेगा कुछ पता नहीं। अच्छा। उसके बाद वो शुरू हो गया, जिस वक्त वो स्टेज पे आया और वो शुरू हो गया, उसने जो थे फिर गाने, फिर वहाँ पे एक तरह की वो शुरू हो गई जी, मेरे किने गाने ने जी, मैं तो दो कर ना, मैं तीन करने, मैंने नहीं पता। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान उस तरफ चलना शुरू हो गया, जो थिएटर की तबाही का बायस बन गया। ठीक है, आप कहते हैं जो नए लोग आए हैं जिनको काम नहीं आता, कहते थे चार गाने हमारे, काम भी तीन हमारे होते हैं, उनकी वजह से ये देखे काम, और राइटर नहीं है। देखे मैंने अफजाल अहमद साहब के साथ काम किया थिएटर पे, मैंने उनका ड्रामा किया हुआ है जन्म जन्म की मैली चाहता, कितना टाइम रहा वो, वो ड्रामा उतरता उतरने का उसने नाम ही नहीं लिया। और मैं आपको यहाँ एक वाकया बताता हूँ अफजाल अहमद साहब के जुनून का। मैंने एक एंट्री करनी थी उसमें, स्टेज रिवॉल्व होता था, बिल्कुल होता था, ठीक है, और जब वो दोबारा चलना शुरू होता था तब मैंने उस पर पैर रखना था। अब जब मैं रिहर्सल करता था तो मुझे झटका लगता था, तो वो मुझे कहते थे झटका ना लगे मैं तेन दस दया पैर पक्का रख। मैं जितनी बार करूं वो उतनी बार हो। खैर वो मैं उस दिन ट्राई करता रहा, नहीं हुआ, मैं घर आ गया। रात 3 बजे मेरे घर की बेल हुई, मेरी वालदा परेशान हो गई कि क्या हुआ है, बाहर गई तो अफजाल साहब गाड़ी में बैठे हुए, साथ ड्राइवर और पीछे गोशी खान साहब भी थे। तो कह लगे आपा सलाम अलैकुम किथे आगा, मैंने कहा वो तो सुता है, आ उठाए जरा उसको, क्या खैर है, नहीं उठाए, उठा लिया जी। मुझे कहता है अच्छा, मैंने ना मेरा उस वक्त गेटअप भी है जी, मैंने शलवार पहनी हुई, ऊपर टी शर्ट थी। अच्छा। उन्होंने मुझे चेंज भी नहीं करने दिया, अब बैठो गड्डी च, मैं बैठ गया। 3 बजे वो मुझे थिएटर ले गए, थिएटर जाके लाइट्स ऑन करवा के मुझे गया, खुद सामने बैठ गए ऑडियंस में, कहते चलो जी एंट्री करो। मैं कह जी इस वक्त, हाँ जी इस वक्त, मैंने की फिर वही, उन्होंने फिर मुझे करके दिखाया। अच्छा। सुबह 7:30 बजे उन्होंने मुझे छोड़ा, जब मैं परफेक्ट हो गया था उस एंट्री में। मतलब ये जुनून अब नहीं है, अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना जी। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो प्ले देखा है या नहीं, आपने यकीनन देखा हुआ है। मतलब उस थिएटर पे वो जब ड्रामा होता था तो 74 बंदे चाहिए होते थे उस प्ले को करने के लिए, बैक स्टेज जो फौरन सेट चेंज करते थे और सारा। अगर 73 भी होंगे तो वो ड्रामा नहीं हो सकता। ठीक है, ये उनका जुनून था, वो जुनून अब नहीं। आप कहते अच्छा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बस गुजार दे काम करना। मतलब मैंने ऐसा भी प्ले गुजारा कर, मतलब मैंने ऐसा प्ले किया कि मुझे कैद किया हुआ है, तो उसमें वो कह रहा है कि आरी चाहिए जी जिससे मैं वो काटूंगा सलाखें। ठीक है, वो प्रोड्यूसर साहब गए ढूंढा, आन के आ गए तो हथौड़ी ले आए। चलो तुम तोड़ लो, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं आरी चाहिए, वो आवाज ना हो, कहते कपड़ा रख के तोड़ लो आवाज नहीं आएगी। जब आप मैनेज करना शुरू हो जाते हैं ना, फिर काम आपको मैनेज करता है, फिर वो मैनेज होते 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 बिल्कुल एंड, बिल्कुल ही एंड। ये काम मैनेज होने वाला नहीं है, ये मैं आपको बताऊं, ये बड़ा बादशाहों वाला काम है। बिल्कुल, मतलब आप सिंगिंग करते हो, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, या ये बड़ा वसी काम है, एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें हम कूद पड़े हैं, अब हमसे तैरा नहीं जा रहा। अच्छा, ये जो जैसे हम बात कर रहे हैं, आप दोनों म्यूजिक के अलावा क्या एक्टिविटीज है, उसके अलावा जब काम टाइम मिलता है तो क्या होता है कि शॉपिंग पे निकल जाती हैं या फिर कोई धमाका कर देती है?
मुझे नई चीजें तो चाहिए होती है, बट मैं चाहती हूँ कि फिर ना पड़े, एक ही मॉल जाऊँ, वहाँ से सारा कुछ मिल जाए। अब तो है ऐसा या बट नहीं, फिर भी मेरी टाइप की चीजें नहीं मिलती। अब ये कहती होंगी ना लोग मुझे मगर वैसे होता है शॉपिंग पे चले जाऊँ तो फिर एक दो आ जाती है आंटीज के आई हैव सीन यू इन द मॉर्निंग शोज एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, मैंने कहा ये कहने लगे मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहाँ देखा पता याद नहीं आ रहा मुझे याद कहाँ देखा तुम बताओ। बताऊँ आपको देखा नहीं नहीं याद करो तुमने मैंने कहाँ देखा तुम। और उसको असल में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन से गुजरना पड़ता है बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने तो इसका बड़ा अच्छा हल ढूंढा है। अब मुझे आगे मतलब कोई आगे कहता है ना सर वो आपसे एक बात पूछनी थी, मैं कहा बेटा जिस बात का आपको खतरा है ना मैं बिल्कुल वही हूँ। जो खतरा आपके दिमाग में घूम रहा है मैं वही हूँ। आपके बहुत से फैंस हो गए, कोई ऐसा क्रेजी फैन या कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो कि किसी ने मुझे ऐसे पहचाना था या किसी खास करेक्टर की वजह से, नेगेटिव करेक्टर की वजह से आपको लोगों ने किया हो यार ये तो वो जा रहा है। मेरे दो प्लेयर्स ऐसे थे, एक डबल सवारी जिसमें मैं और अशरफ आसफ थे, एक तो मुझे ना उससे बड़ी आवाजें लगती थी। अच्छा। उस करेक्टर से जमाला उसका नाम था करेक्टर का, वो बड़ा एक बेवकूफ सा पुलिस वाला था जो। और दूसरा जो ड्रामा मैंने किया था वो था पीटीवी का अफसर बेकार खास, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्रामा हमने 4.5 साल किया। और ये जो मैं अभी बच्ची आई थी जिसके साथ जो टोन बोल उसमें मैं ये टोन बोलता था। अच्छा। तो वो मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि इसमें ये हो जाएगा। फिर मुझे उस मतलब मैं अब वो नाम नहीं लेता कि मैं इस्लामाबाद अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था, एक बहुत ठीक ठाक ओहदे पे के साहब अपनी फैमिली के साथ आए और मुझे आके कहते खाना खाए तो वो उस टोन में बोलना शुरू हो गया। हाँ। मैं खड़ा हो गया, खैर मिला मुला उनसे तो मैंने कहा सर आप मेरी नकल कर रहे हैं या वाकई ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर ठीक बोले नहीं मैं तो आपको कॉपी कर रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है ये। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो करेक्टर ऐसा था, उसमें खैर टीम बड़ी अच्छी थी, अशरफ खान साहब थे, ठाकुर साहब थे, नवाज अंजुम साहब थे, नादिया अफगन थी, जाना मलिक थी, बहुत मजेदार उसमें हमने काम किया। कोई ऐसी फैन लड़की जिसने आपको बहुत तंग किया और वो कहती हो कि मिलना है मैंने हर शूटिंग पे पहुंच जाए फोन या कहीं पहुंच की हो, कोई ऐसी मिली अभी तक? मैंने यहाँ से घर जाना है। वो फैन तो फैन होता है ना, फैन तो फैन होता है, कोई बात नहीं। एक थी वो, मैं एक दिन रात को सोया हुआ तो यही 3-3:30 बजे का टाइम, तो मैं वैसे रात को अपना फ़ोन ऑफ कर देता हूँ, तो वो उस दिन ऑन था, तो वो फ़ोन आया तो मैंने नींद में ही उठाया, मैंने कहा जी हेलो जी आगा अब्बास बोल रहे हैं, मैं कहा जी मैं ही बोल रहा हूँ, उफ अल्लाह वाकई आप बोल रहे हैं, मैं कहा हाँ जी मैं अभी जिंदा हालत में बोल रहा हूँ, बताएं आप सो रहे थे? मैंने कहा नहीं मैं अभी अभी अपनी मिसेज को डांस दिखा के फारिग हुआ हूं। मैं कहा बीबी 3:30 बजे मैंने सोना ही है। उसके बाद फिर वो उनकी वजह से वो फिर मुसलसल शुरू हो गया जी। तो मेरी मिसेज जो है वो इस मामले में बड़ी अच्छी है, उसने कभी मेरा मोबाइल नहीं चेक किया या कोई, लेकिन मुझे वो फिर वो अपना नंबर चेंज करना पड़ा। नंबर चेंज कर, उन्होंने कहा बस मैं तुम्हारा मोबाइल चेक नहीं करूंगी, तुम अपना नंबर चेंज कर लो। वो पता नहीं करती इसी टाइम थी 3:30 पर, पता नहीं उनके पास चोरी का मोबाइल था तो बोलता ही उनको उस वक्त। बिल्कुल जी ऐसे भी फैन होते कि नंबर चेंज करना पड़ा, क्योंकि नंबर एक आर्टिस्ट का चेंज होना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत से लोगों के पास होता है जो काम से रिलेटेड होता है, मैं उसकी बात कर रही हूं। दानी अभी हमें और परीसा में से हमें कौन क्या सुनाने वाला? सोलो ट्रैक, और ये मैंने खुद लिखा है, खुद ही कंपोज किया है, हर दिन नया नया मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अच्छा सोलो ट्रैक है एंड इट्स द लेटेस्ट वीडियो। हर दिन नया नया अगेन।
लेकिन आज नेहा क्या कंप्लीट हो गया बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुका है। पहुंचते हैं रूबी की तरफ और जानते हैं क्या क्या किया है, क्या डिटेल्स है। जी रूबी, आप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। निका आपको कैसा लग रहा है मेकअप? बहुत अच्छा, एक सडन चेंज आ गया। बताएं आपने लिपस्टिक, आपने पीच कलर की लिपस्टिक अप्लाई की है? पीच और पिंक की ब्लेंडिंग करके जी, मैंने पीच अंदर देके आउटलाइन पिंक दोनों की ब्लेंडिंग करके की। अच्छा, और चीक्स आपने पीच कर दिए? पीच और पिंक वो भी। अच्छा, कंटूरिंग जो है वो मैंने ब्राउन के साथ दी है और जो ब्लश है वो मैंने पिंक में दी। जैसे कि इनका फेस राउंड नहीं है, इनको इतनी ज्यादा कंटूरिंग की तो जरूरत भी नहीं है। कौन सा हेयर स्टाइल है जो लंबे फेस पे ज्यादा अच्छा लगेगा और राउंड फेस पे वो इतना नहीं चलता? लंबे फेस पे ज्यादातर हम हाइट नहीं दे सकते। अच्छा, हाइट नहीं दे सकते वो, क्योंकि वो और लंबा लगेगा। जो गोल फेस होते है उस पे हम हाइट देंगे तो वो स्लिम लुक आएगी इसकी। हाँ जी, तो इसीलिए हम इसको लूज अगर हेयर्स में रखेंगे तो इसकी जो नेक का ये एरिया थोड़ा ये हेल्थी लगेगा और फेस राउंड में लगेगा। फेस राउंड लगेगा, आप इसके मतलब हाइट नहीं दे सकते, आप बैक होमिंग इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। अनिका हमारी मॉडल जो है वो बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। आई एम श्योर उनको खुद भी ये मेकअप बहुत पसंद आया होगा, एक सडन चेंज है, एक सडन लुक। एग्जैक्टली, बहुत। और आप देखें कि हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा और उन्होंने इनवर्ड और आउटवर्ड को जो है ना मिक्स किया है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। एनीवे जी, रूबी जी बहुत अच्छा और आई मेकअप तो मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, यहाँ हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रॉयल मॉर्निंग।